हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ विंटर वेयर्स जो कि मैंने मीशो से परचेज करे हैं। इसमें मैंने स्वेटशर्ट, स्वेटर्स, काफ़ी सारी चीज़ें मंगाई हैं जो कि स्टार्ट हो रही है 179 रुपीज़ से, और अभी इनका जो सेल प्राइस है वो और भी कम है, ऑलमोस्ट 160 से स्टार्ट हो रही है। तो काफ़ी अफोर्डेबल है और काफ़ी क्वालिटी क्लोथ्स आए हैं इस बार, तो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी। तो काफ़ी सारे पार्सल्स मंगाए हैं मैंने, सो लेट्स स्टार्टेड। तो सबसे पहले प्रोडक्ट जो कि है वो है स्वेटर, फैंसी मॉडर्न वुमेन स्वेटर जो कि ब्लैक कलर का है। इसमें जो साइज अवेलेबल है वो फ्री साइज है ये, और इसमें एक ही कलर अवेलेबल है, तो मैं अब आपको दिखा देती हूँ वो। सो दिस इज द स्वेटर। ये काफ़ी अच्छा स्वेटर है, मैंने इनकी सेपरेट वीडियोस भी बनाई हैं, वो आपको स्प्लिट स्क्रीन में दिख जाएगी, वरना आप इंस्टा पे जाके वीडियोस चेक कर सकते हो। मैं अभी धीरे धीरे करके सारी अपलोड करूँगी। तो ये ब्लैक कलर का है, इसमें बहुत ही प्यारी सी स्लीव्स पे स्माइली दी हुई है, और ऐसे ही इसके फ्रंट और बैक साइड पे भी है। आप इसको हाई वेस्ट जीन के साथ आराम से पेयर कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। मैंने जब इसे पेयर करा था तो मैंने इसे ब्लू जीन्स के साथ पेयर करा था जो कि हाई वेस्टेड जीन्स थी, तो उसके साथ ये काफ़ी कूल लग रहा था। तो ये हमारा पहला स्वेटर है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का, काफ़ी वॉर्म है। मतलब आप अगर इसका कपड़ा देखोगे ना तो काफ़ी अच्छा है, मतलब वॉर्म है। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट है। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो है एक हाई नेक। तो ये सबसे ज़्यादा लोएस्ट प्राइस प्रोडक्ट है जो मैंने आज के, मतलब सारे प्रोडक्ट में जो मैंने ऑर्डर करा है। तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, ये आपको यहाँ पे हाई नेक मिल जाएगा, फुल स्लीव्स है, काफ़ी अच्छा कपड़ा है। इसकी मैं आपको डिटेल्स बता देती हूँ कि इसका प्राइस है लोएस्ट 170, और इसकी सेल प्राइस अभी और कम हो गई है, तो आप वो चेक कर सकते हो। इसमें स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक्सेल साइज है। कलर इसमें रेड, पर्पल, वाइट, ब्राउन काफ़ी सारे अवेलेबल हैं, मतलब आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं चूज़ करने के लिए, तो आप डेफिनेटली इसे देख सकते हो। और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इसको भी मैंने ब्लू जीन्स के साथ पेयर करा था, उसके साथ गॉगल और पर्स के साथ, ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक और काफ़ी अच्छा लग रहा था। इवन अगर आप चाहो तो इसको हाफ वेस्ट के साथ भी पहन सकते हो, लाइक जो हमारी हाफ वेस्ट आती है, मैंने उसके साथ भी इसको थोड़ा सा पेयर करने की कोशिश करी थी, तो उस पर भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो ओवरऑल ये भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, मतलब 160 और 170 रुपीज़ के हिसाब से आप मतलब और क्या ही एक्सपेक्ट करोगे, बट स्टिल इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इवन अगर आप चाहो ना इसे तो ब्लू डेनिम के साथ भी पेयर कर सकते हो, मतलब जैकेट ब्लू डेनिम, वो भी बहुत कूल लगेगी। तो अब नेक्स्ट प्रोडक्ट दिखाती हूँ मैं आप। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो है एक ब्लैक स्कर्ट जो कि काफ़ी अच्छी है, काफ़ी कूल है, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सो दिस इज़ द स्कर्ट जो कि काफ़ी प्रिटी है। ये एक मिडी स्कर्ट है जो कि आपको अवेलेबल है ऑन द साइज 24 से लेके आपको 36 साइज तक ये अवेलेबल है। काफ़ी अच्छी है, स्ट्रेचेबल है, वेस्ट से भी ये काफ़ी स्ट्रेचेबल है, आपको इजीली फिट हो जाएगी। आप देखो तो काफ़ी स्ट्रेचेबल है। ऊपर से जो इसकी बेस्ट डिटेलिंग है वो ये जो इस पे लटकन सी है ना, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रही है। अगर आप वीडियो भी देखोगे तो मतलब काफ़ी आप इसको पेयर काफ़ी चीज़ों के साथ कर सकते हो, आप क्रॉप टॉप के साथ या फिर फ्लीक्स जो लेगिंग्स आती हैं उसके साथ आप इसे बूट्स के साथ पेयर कर सकते हो, तो काफ़ी सारी चीज़ों के साथ आप इसे पेयर कर सकते हो। ओवरऑल ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है, एंड ये जो है ये एक अलग ही चार्म ऐड कर रहा है इस स्कर्ट में, तो आप डेफिनेटली परचेज कर सकते हो इसे। सो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है एक जैकेट, ग्रे कलर की जैकेट जो कि काफ़ी अच्छी है, फुल स्लीव्स और वॉर्म है काफ़ी। मतलब मैंने इसको पेयर करा था ट्रैक पैंट के साथ, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। लाइक आप अगर सुबह मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हो तो कैसे भी इसको पेयर करना चाहते हो कर सकते हो, बाहर भी पहन सकते हो, बट मुझे ये सबसे ज़्यादा अच्छी लगी ट्रैक पैंट्स के साथ। मैंने जीन्स के साथ भी ट्राई करी, मुझे इतनी पसंद नहीं आई। तो अगर आप इसको यहाँ पे नेक देखोगे तो नेक तक इसकी जो जिप है वो है, इसकी जिप भी काफ़ी अच्छी है, मतलब ऐसे लोकल जिप वाली जिप नहीं है। इसके अंदर का जो मटेरियल है काफ़ी अच्छा है, वॉर्म है, फुल स्लीव्स है। यहाँ पे आउटर में ये प्रिंट्स दे रखे हैं, इवन आपको इसमें साइड चेन्स में मिल जाएंगी, तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। तो इसमें
जो है जो साइज़ अवेलेबल है वो है XS से लेके ये आपको 5XL तक मिल रही है, मतलब किसी भी साइज़ के हो आप, आपको ये इजीली फिट हो जाएगी। और मैंने जो ऑर्डर करा था आई थिंक, हाँ मैंने ऑर्डर करा था XL और ये मुझे प्रॉपर फिट आई है। मतलब अगर आपको कुछ लूज फिट टाइप की चीज़ें पसंद है तो आप एक साइज़ ऊपर ऑर्डर करना तो आपको काफ़ी अच्छी लगेगी, और अगर आपको फिटेड पसंद है तो आप अपना ही साइज़ करना ऑर्डर। इसमें कलर कोई और अवेलेबल नहीं है, ये सिंगल कलर है। इसका प्राइस है 401 रुपीज़ और मैंने ये शायद थोड़ा हाई प्राइस में ऑर्डर करा था, और अभी तो ये सेल प्राइस बता रही हूँ मैं आपको, बाकी मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में लिंक्स, आप वहाँ जाके देख सकते हो, विश लिंक भी ऐड कर दूँगी। तो उसके अलावा भी आप बाकी प्रोडक्ट्स स्क्रॉल करके देख सकते हो जो मैंने वहाँ ऐड किए हुए हैं। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है वुमेन स्वेटशर्ट रानी मैजेंटा, जो कि है मैजेंटा कलर की, और अगर आपने वो मीम फॉलो करी हो तो सो दिस इज हाउ द पिंक स्वेटशर्ट लुक। इसकी राउंड नेक है, आपको फ्रंट में इसका एक प्यारा सा प्रिंट मिल जाएगा, फुल स्लीव्स है, इलास्टिक है काफ़ी अच्छी इसमें, और जो इसका साइज है वो आपको डिफरेंट डिफरेंट साइज अवेलेबल है। तो इसमें जो साइज है वो एस, स्मॉल, मीडियम, लार्ज और XL है, और इसमें जो कलर्स हैं वो काफ़ी सारे अवेलेबल हैं, लाइक ब्लैक, वाइट, ब्राउन, बेज, डार्क ग्रीन, काफ़ी सारे कलर्स हैं, मतलब आप काफ़ी सारे कलर्स एक्सप्लोर कर सकते हो। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट भी एक स्वेटशर्ट है जो कि ब्राउन कलर की है। इस स्वेटशर्ट का जो नेम है वो है ब्रोकन हर्ट। जब मैंने इसे ऑर्डर करी थी तो मैंने ना थोड़ा ध्यान नहीं दिया था कि इस पर मतलब क्या लिखा हुआ, मुझे कलर काफ़ी अच्छा लगा था तो मैंने ऑर्डर कर ली, जब मुझे रिसीव हुई तब मैंने इस पर ध्यान दिया, इस पर लिखा हुआ है ब्रोकन हर्ट। मैं आपको, वैसे तो कलर तो काफ़ी अच्छा है, इसका प्रिंट भी अच्छा है, तो ये है स्वेटशर्ट। इसका राउंड नेक है, वही जैसे मैंने आपको लास्ट स्वेटशर्ट दिखाई थी, काफ़ी कंफर्टेबल है, वॉर्म है, और ये आपको यहाँ पे प्रिंट मिल जाएगा ब्रोकन हर्ट का, जो कि अच्छा लग रहा है। ये बैक से ये इनमें कोई भी प्रिंट नहीं है, इनमें सिर्फ फ्रंट में प्रिंट अवेलेबल है। स्वेट स्वेटशर्ट में ये सिंगल कलर में अवेलेबल है, जो अदर कलर हैं उनके प्रिंट्स भी अलग हैं बट काफ़ी अच्छी हैं, किसी पे बेब लिखा है, किसी पे ओवर और समथिंग, मतलब प्रिंट है अलग अलग। इसमें जो साइज़ है वो स्मॉल, मीडियम, लार्ज और XL है। मीशो पे अगर आप अच्छे से ढूंढोगे ना तो आपको अच्छे कपड़े भी मिल जाते हैं, ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ बुरे ही कपड़े मिलते हैं। काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि चीज़ें अच्छी नहीं आती हैं, बट मुझे मोस्टली जो चीज़ें इस बार रिसीव हुए हैं वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की ही हैं, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, और इवन सेल पे तो और ही ज़्यादा अच्छा डिस्काउंट मिल गया। तो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है काफ़ी स्पेशल, जो कि मैंने बूट्स मंगाए हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के बूट्स आए हैं, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो ये हैं वाइट और ब्लैक कलर के बूट्स। तो इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें हाई हील ब्लॉक्स दिए हुए हैं वाइट कलर का, सिंपल और काफ़ी अच्छा इसमें बूट है ये। इसमें आपको यहाँ पे चेन दी हुई है जो काफ़ी अच्छी है, अंदर से काफ़ी वॉर्म है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। तो इसमें जो मैंने साइज़ मंगाया था वो 5 मंगाया था, IND 5, और इसमें ब्लैक और वाइट कलर, ये दो ही कलर अवेलेबल हैं, और इसकी क्वालिटी अकॉर्डिंग टू द प्राइस, मतलब अगर आप बाहर लेने जाओगे तो ये आपको 800 to 1000 के से कम के तो नहीं मिलेंगे, बट मीशो पे आपको ये ऑलमोस्ट 500 to 550 तक पड़ रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है, और इसका मटेरियल भी काफ़ी अच्छा है, लोकल या चीप मटेरियल होता है वो नहीं है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। तो ये जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ब्राउन फॉक्स हुडी, और ये मतलब सबसे ज़्यादा क्यूटेस्ट प्रोडक्ट है इस पूरे हॉल का, इतना प्यारा, इतना वॉर्म है कि मतलब देखकर ही मज़े आ जाए। सो ये ब्राउन कलर में है, काफ़ी फ्लफी, वो टेडी वेयर बियर टाइप जो क्लोथ्स आते हैं, काफ़ी वॉर्म हुडी है। आप इसके देखोगे इसका जो क्यूटेस्ट है ये, इसकी जो कैप है उस पर ये दो ईयर्स बने हैं क्यूट से, और इसका जो अंदर का मटेरियल है काफ़ी अच्छा है, वॉर्म है ये जैकेट काफ़ी,
और सबसे ज्यादा क्यूटेस्ट है यार, मतलब पहन के इतना अच्छा लग रहा है इसको, इतना कंफर्टेबल है ये इतनी कंफर्टेबल है ये। इवन आपको ये साइड पॉकेट्स भी मिल जाएंगी इसमें, और इस विंटर में आपको क्या ही चाहिए, इतना क्यूट सा कुछ मिल जाए। तो इसमें ना तीन कलर अवेलेबल हैं, एक तो ये ब्राउन कलर है, इसके अलावा एक पिंक और ब्लैक कलर भी अवेलेबल है। इसमें जो साइज है वो स्मॉल से लेके XXL तक है। मैं तो बोलूंगी कि इसकी क्वालिटी इसके प्राइस के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, तो आप देख लेना। तो ये लास्ट प्रोडक्ट है इस हॉल का, और ये है एक हुडी जिसकी क्वालिटी आई वुड से इज़ ओके ओके। मतलब दिस इज़ द ओनली प्रोडक्ट जो मुझे इतना ज़्यादा कुछ खास पसंद नहीं आया, क्योंकि इसका फिट मटेरियल ओवरऑल इट्स नॉट गुड। इसमें जो मैंने कलर मंगाया था ये बेज कलर टाइप है कुछ। इसमें ये जो डोरी जो दी हुई है ना, इसमें जो आप फोटो देखोगे ना, आपको फोटो में ये सेम कलर की दिखेंगी मैच करते हुए, बट इसमें इन्होंने कुछ ये ब्लैक और व्हाइट कलर की दे दी है कुछ वियर्ड सी। कि जो आउटर ये जो लाइनिंग वाला है ना, ये बहुत मतलब कंफर्टेबल नहीं है बिल्कुल भी। इसका जो फिट है, मैंने इसको सेम साइज में अपने अदर क्लोथ्स की तरह एक्सेल में ही मंगाया था, बट ये काफ़ी ऐसे बहुत ही फिटेड है। मतलब आप बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होगे, मतलब आपको यहाँ तो बड़ा साइज मंगाना होगा इसमें। इसमें कलर्स आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे, पर्पल, रेड, ब्लैक, येलो, ग्रीन, व्हाइट। प्लस साइज आपको XXL तक मिल जाएगा स्मॉल से लेके। मुझे तो पर्सनली ज़्यादा पसंद नहीं है, अगर आपको ये ठीक लग रही है, और आप इसके दूसरे कलर्स भी देख सकते हो, क्या पता वो ज़्यादा अच्छे लगे, तो आप ये चेक कर लेना। लिंक्स आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज गाइज। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं और भी ऐसी वीडियो बनाऊंगी अगर आप लोगों को अच्छी लगेंगी तो। इसी के साथ मैं सोच रही हूँ कि कुछ एथनिक वियर से रिलेटेड भी मतलब हॉल बनाऊँ पूरा, तो अगर आपके पास कोई सजेशन हो तो ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में। बाय बाय।